फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पेरोल अकाउंटिंग सीखने वाले हैं टैली में। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही बड़ा और एक अच्छा टॉपिक है। अगर आपने पेरोल आउटसोर्स भी किया है तो भी आपको सही सही अकाउंटिंग हो रहा है वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही लंबा है, तो हमने इसको पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो सभी पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग टैली के वीडियोज़ भी अपलोड करने वाले हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिए कि आपको कौन से वीडियोज़ हमसे चाहिए, तो हम लोग वो वीडियोस भी बनाएंगे। आइए फ्रेंड्स, हमारा पार्ट वन शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पेरोल अकाउंटिंग जो है वो पूरा डिपेंड करता है कि आप सैलरी कैसे मेंटेन करते हो। हम लोग जो हमारी कंपनी की सैलरी मेंटेन करते हैं, यही फॉर्मेट में हम लोग पूरी मेंटेन करते हैं सैलरी। तो इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस अकॉर्डिंग हमें सैलरी मेंटेन करनी चाहिए। तो यहाँ पे पूरे कंपनी के एम्प्लॉय के नेम, इन्फॉर्मेशन, बैंक डिटेल या पीएफ नंबर, ईएसआईसी नंबर जो भी है वो आप आपके अकॉर्डिंगली मेंटेन कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे पूरा अटेंडेंस है एम्प्लॉयज का, इसके बेस पे हम लोग डेज वाइज कैलकुलेट करते हैं सैलरी। तो यहाँ पे हम लोग पूरा जो उनका लीव डिडक्शंस या फिर संडे या हॉलीडे जो भी होता है वो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं और पूरा यहाँ पे वर्किंग होता है। इसके बाद में हम लोग ग्रॉस सैलरी पे आते हैं। तो यहाँ पे है ग्रॉस सैलरी और ये अलाउंसेस जो होते हैं उसको डिवाइड करके हम लोगों ने ये ग्रॉस सैलरी बनाई है। इसके बाद में डेज के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी होती है, तो यहाँ पे सैलरी के कैलकुलेशन होंगे। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में आते हैं पीएफ, ईएसआईसी और पीटी। अगर हमारा डिडक्शन है तो हमें यस करना है, अगर नहीं है तो नो करोगे तो जैसे यहाँ पे ब्लैंक है वैसे आ जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग हमें पीएफ, ईएसआईसी, पीटी के कैलकुलेशन करने हैं। इसके बाद में अगर टीडीएस, पेनल्टी, एडवांस वगैरह का कोई डिडक्शंस है तो ये पूरे पार्ट में हमें डिडक्शन करने होते हैं और यहाँ पे पेबल सैलरी जो होती है वो आएगी और यहाँ पे टोटल आ जाएगा। इसके बाद में अगर हमें पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप निकालनी है तो हम लोग यहाँ पे नंबर दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 10 नंबर है दिव्या कुमार, तो यहाँ पे 13 नंबर है उसका। यहाँ पे अगर हम 13 नंबर देंगे तो यहाँ पे दिव्या कुमार का पूरा जो है वो डिटेल्स आ जाएगा, उसकी सैलरी आ जाएगी। तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सैलरी स्लिप मेंटेन करते हैं और यहाँ पे सैलरी समरी भी डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे हम मेंटेन करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी जा रही है, कितनी पीएफ, ईएसआईसी जो भी डिडक्शन पूरा हुआ है वो समरी यहाँ पे दिख जाती है। ये सैलरी स्टेटमेंट बहुत ही यूजफुल है फ्रेंड्स। अगर आपको ये सैलरी स्टेटमेंट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, हमने लिंक रखी हुई है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है और साथ साथ में बहुत सारे फॉर्मेट्स है, आप हमारे स्टोर में भी विजिट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं टैली में हम प्रोसेस पेरोल की कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों को एम्प्लॉय के लेजर बनाने पड़ते हैं। अगर हम डिपार्टमेंट वाइज बनाएंगे तो हमें ईजी पड़ता है कि हम लोगों को डायरेक्टली पता चलता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी हो रही है। अगर आपके ज्यादा एम्प्लॉयज है तो आप डिपार्टमेंट बना सकते हैं, बट अगर आपके कम है एम्प्लॉयज तो अगर आप डिपार्टमेंट वाइज नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। तो ये वीडियो में हम डिपार्टमेंट वाइज देखेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पेरोल अकाउंटिंग। मैंने ये जो मेरी कंपनी है उसमें बहुत सारे लेजर वगैरह बनाए हुए हैं, तो हम एक नई कंपनी क्रिएट करते और वहां से ही स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको अल्ट एफ थ्री करना है गेटवे ऑफ टैली में ही। यहाँ पे आपको कंपनी इन्फो में क्रिएट कंपनी पे जाना है। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे हमारी कंपनी का नेम डालना है, तो मैं मेरी जो नई चैनल है उसका ही नेम देती हूँ, अकाउंट्स एडवाइस। यहाँ पे मेलिंग नेम, एड्रेस वगैरह अभी कुछ डालते नहीं है, उसको सेव कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में हम लोगों को ग्रुप बनाने होते हैं। तो यहाँ पे हम गेटवे ऑफ टैली में ही अकाउंट्स इन्फो में जाके हम लोग ग्रुप बनाएंगे। तो इसके लिए हम अगर ए प्रेस करेंगे तो भी ओपन होगा। इसके बाद ग्रुप्स में जाएंगे और यहाँ पे सिंगल ग्रुप के अंदर क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे नेम देंगे। तो पहला हम लोग देंगे सैलरी पेबल, और सैलरी पेबल के अंडर ग्रुप में हम डालेंगे करंट लायबिलिटी। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में जो नीचे डिटेल्स है वो अभी हम लोगों को उसकी कुछ जरूरत नहीं है, तो अभी एंटर करके हम उसको सेव कर देते हैं। तो अभी हम एंटर करते उसको एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद में हम लोगों ने सैलरी पेबल अकाउंट बना दिया, अभी हम लोग डिपार्टमेंट बनाएंगे और डिपार्टमेंट के अंडर हम लोग सैलरी पेबल को डालेंगे। तो पहला हम डिपार्टमेंट बनाते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इसको हम डालेंगे सैलरी पेबल के अंडर, जो अभी हमने सैलरी पेबल का अकाउंट बनाया था वो एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट, उसको भी सैलरी पेबल के अंडर में डालेंगे, कंट्रोल ए करके हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद में डालेंगे सेल्स डिपार्टमेंट,
वो भी सैलरी पेबल के अंडर में कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ पे लास्ट में हम डिजाइन डिपार्टमेंट बनाएंगे। आप आपके जो भी डिपार्टमेंट है उसको ले सकते हो, कंट्रोल ए कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो मेरे डिपार्टमेंट्स है वो बना दिए है। अभी हम बैक जाते हैं तो एस्केप करके हम गेटवे ऑफ टैली में चले जाते हैं। अभी फ्रेंड्स हमने ग्रुप भी क्रिएट कर दी है और डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर दिए है। अभी बात आती है हमारे जो भी एम्प्लॉइज है जिनकी सैलरी की एंट्रीज करनी है, जिनका अकाउंटिंग करना है, उनके हमें लेजर बनाने पड़ेंगे। तो चलो बनाते हैं उनके लेजर्स। तो इसके लिए हम लोगों को सेम वे अकाउंट्स इन्फो में ही जाना है। यहाँ पे हम ए प्रेस कर देते हैं। इसके बाद अकाउंट्स इन्फो में हमें लेजर्स में जाना है। यहाँ पे हम लोगों को क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को डिटेल्स देनी है। तो इसके लिए हम लोग हमारे स्टेटमेंट में चले जाते हैं, सैलरी स्टेटमेंट में। तो यहाँ से हम लोगों को एम्प्लॉय के नेम और डिपार्टमेंट डालने हैं क्योंकि हम सैलरी डिपार्टमेंट वाइज कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग नेम डालेंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर देंगे, कंट्रोल सी, कॉपी करके हम हमारे लेजर में चले जाते हैं। यहाँ पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल अल्टर वी करना है। इसके बाद हम एंटर एंटर करके हम लोग अंडर ग्रुप कौन सा आएगा वो हम लेंगे। तो यहाँ पे जो उनका अंडर ग्रुप है वो उनका डिपार्टमेंट लेना है। तो मेक श्योर करें सैलरी स्टेटमेंट में आप अगर डिपार्टमेंट डालेंगे तो आपके लिए भी इजी रहेगा। तो यहाँ पे जो दिया पटेल है नेम, उनके अंडर में अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। तो हम यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट हमने जो क्रिएट किया था वो आएगा यहाँ पे। इसके बाद हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग एंटर एंटर करके अभी उसको क्रिएट कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक एम्प्लॉय। ध्यान रखें कि आप कॉपी पेस्ट ही करें ताकि जल्दी से आपका काम हो जाए, क्योंकि अभी अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसीलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप सेकंड मंथ में करोगे तो ये सब नेम ऑलरेडी क्रिएट होंगे, एंट्रीज भी क्रिएट होंगी, तो आपको जस्ट डुप्लीकेट एंट्री करनी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ से भी हम कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल अल्टर वी करके यहाँ पे एक बैकस्पेस मार देते हैं। इसके बाद में हम लोग एंटर एंटर करते हैं, ये डिपार्टमेंट कौन सा है, ये भी डिजाइन डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो डिजाइन डिपार्टमेंट बनाया था इसके अंडर में सैलरी पेबल आएगा और यहाँ पे हमें एंटर एंटर करते हुए उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आपको एंटर एंटर नहीं करना है तो कंट्रोल ए कीजिए तो आपका जो लेजर है वो सेव हो जाता है। तो वैसे ही आपको सभी एम्प्लॉयज जो है उनके लेजर बनाने हैं। तो चलो मैं जल्दी से मेरे एम्प्लॉयज के लेजर बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने मेरे जो भी एम्प्लॉयज थे उनके लेजर बना लिए हैं। हम लोगों को अगर कोई नेम में गलती हो गई है बनाते टाइम या आपको कोई डिपार्टमेंट चेंज करना है, इट मीन्स लेजर को अल्टर करना है, तो आपको यहाँ पे बैकस्पेस करनी है और यहाँ पे लेजर के अंडर आपको अल्टर में जाना है। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया पटेल का लेजर बनाया था, अगर हमें देखना है, अगर हमें अल्टर करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो उनका लेजर आ जाएगा। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट या कोई डिटेल्स आपको चेंज करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो और इसके बाद में कंट्रोल ए करके उसको सेव कर दीजिए। चलो बैकस्पेस करके हम लोग गेटवे ऑफ टैली में चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स इसके बाद में अगर हम लोगों को लेजर चेक करना है कि हम लोगों ने जो जो लेजर बनाए हैं वो हमें कहाँ दिखेंगे, तो गेटवे ऑफ टैली में से आपको डी ए एल प्रेस करना है तो हम डायरेक्टली लेजर में चले जाएंगे। डी माने के डिस्प्ले, जो यहाँ पे डिस्प्ले है वो, तो यहाँ पे हमें डी प्रेस करना है। फिर इसके बाद में आपको अकाउंट्स बुक के लिए ए प्रेस करना है और लेजर के लिए एल प्रेस करना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जितने भी लेजर बनाए होंगे वो आपको पूरे यहाँ पे दिखेंगे। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए पार्ट में, कुछ नया सीखेंगे कि सैलरी की एंट्रीज कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।